हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विंटेसेंस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। सो आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं, विच इज़ बायो रेमिडिएशन। फाइन, सो बायो रेमिडिएशन जो है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रिलिम्स एज वेल एज मेंस ऑल्सो, क्योंकि एनवायरमेंट का पोर्शन है और ये सब वहाँ पर इम्पॉर्टेंट रहता है। एंड साथ ही अभी जो न्यूज़ हम देख रहे हैं तो वहाँ पर बोला जा रहा है दैट बायो रेमिडिएशन इज़ अ लो कॉस्ट सोल्यूशन टू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। तो ये सब क्या है, हाउ कैन इट बी यूज फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और इन सब में कैसे यूज़ हो सकता है? तो हम आज इसके बारे में ये सब कुछ समझने वाले हैं। फाइन, सो लेट अस बिगिन। सो अभी रिसेंटली जो है एनवायरमेंट डे पर, आपको पता होना चाहिए एनवायरमेंट डे कब होता है, इट इज़ ऑन June 5 एवरी ईयर। फाइन, सो इस साल भी क्या हुआ, June 5 को द मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन अफेयर्स, उसने क्या बोला है दैट वी विल रिक्लेम ऑल द लैंडफिल साइट्स। लैंडफिल साइट्स बोलो आप इनको, डंप साइट्स बोल लो, जहाँ पर भी आप अपना वेस्ट जो कूड़ा है वो इकट्ठा करते हैं, ये बोल रहे हैं कि हम उस लैंड को रिक्लेम करेंगे। तो रिक्लेम का मतलब क्या होता है कि जो लैंड वहाँ पर ऑलरेडी है उसको फिर हम साफ करेंगे, एंड फिर उसको साफ करने के बाद हम उसको किसी और पर्पज़ के लिए वी विल डेडिकेटेड। सो अगर हम आज का जो डाटा है वो देखें तो जो अर्बन लैंड है वो 10,000 जो हेक्टेयर्स अर्बन लैंड के हैं, दे आर लॉक्ड अंडर दीज डंप साइट्स। ठीक है, तो यहाँ से हमें इस लैंड को रिलीज कराना है ताकि हम किसी और पर्पज़ के लिए उसे यूज़ कर सकें। बट द मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पर इस पूरे उसमें बात की गई, वो क्या किया गया, दैट इट कैन बी डन बाय बायो रेमिडिएशन। फाइन, सो इस तरीके से हमारा बायो रेमिडिएशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कहाँ पर, अब ऐसा नहीं है कि अभी हो रहा है, जो दिल्ली का जो माउंटेन है दैट इज़ द माउंटेन ऑफ शेम, जो कि इतना ज़्यादा वहाँ पर कूड़ा जो है पहाड़ी बन चुकी है पूरा, आपने देखा होगा, तो वहाँ पर भी उस लैंड को भी क्लियर करना जो है अभी लगता है इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसको सेग्रीगेट करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल दिखता है अभी। तो उसके लिए भी क्या चीज़ बोली गई है, बायो रेमिडिएशन ही बोली गई है। और ये सिर्फ यहाँ नहीं, अभी रिसेंटली जो हमने देखा है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स जो फ्रेम किए गए हैं 2016 के, उन्होंने भी यही बोला है कि जो ULBs हैं यानी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, उनको क्या करना है, दे हैव टू क्लियर द लेगेसी वेस्ट। लेगेसी वेस्ट क्या होता है, जो कि काफ़ी सालों से एक ही जगह पर जो है, काफ़ी पुराने टाइम से ही एक ही जगह पर आप डंप जो है, आप कूड़ा जो है इकट्ठा कर रहे हो, ऐसी डंप साइट्स को आपको क्लीन करना है थ्रू बायो रेमिडिएशन एंड बायो माइनिंग। तो ये सब चीज़ें क्या है, इसको आज हम क्लियरली डिस्कस करते हैं। फाइन, सो व्हाट इज़ बायो रेमिडिएशन? अगर बायो रेमिडिएशन की ये जो वर्ड है, अगर इसको मैं दो चीज़ों में डिवाइड कर लूँ, वन इज़ बायो एंड वन इज़ रेमिडिएशन। ठीक है, सो बायो, अगर बायो कहाँ से आता है, दिस कम्स फ्रॉम बायोटा। बायोटा मीन्स लाइफ, रेमिडिएशन मीन्स रेमेडी, प्रोवाइड करना, कोई क्योर प्रोवाइड करना। तो यहाँ पर हम लाइफ को यूज़ करके कोई रेमेडी प्रोवाइड करना चाहते हैं। तो इसमें क्या यूज़ होंगे, ऑब्वियसली लिविंग ऑर्गेनिजम्स हम इसमें यूज़ करते हैं बायो रेमिडिएशन में, जो कि छोटे छोटे माइक्रोब्स होते हैं, फंजाई, बैक्टीरिया, इन सबको हम यूज़ करते हैं। फिर क्या करते हैं, अब अलग अलग बैक्टीरिया जो है उनका अलग अलग फूड होता है, कहीं हर एक जो बैक्टीरिया अलग अलग फूड पे, आपको पता है कि कहीं पे किसी तरीके से कोई, जैसे सीवेज प्लांट्स होते हैं वहाँ पर अलग बैक्टीरिया होता है जो उसको डाइजेस्ट करता है। देन देर आर अदर पॉल्यूटेंट्स, कहीं टॉक्सिन्स भी होते हैं, लाइक कहीं कहीं जगह पर आपको दिखता है ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं, तो इस तरीके के कहीं कंटेमिनेंट्स होते हैं। बट आपको पता है कि जो बैक्टीरिया है दे आर ऑलरेडी अवेलेबल, जो कि इन सब साइट्स को क्लीन कर सकते हैं। तो चाहे वो ऑयल स्पिल्स हों, चाहे कोई कंटेमिनेटेड ग्राउंड वाटर हो जिसमें कोई ऐसा कोई टॉक्सिन, कोई ऐसा मेटल है, तो इन सब को निकालने के लिए जो है हमारे पास बैक्टीरियाज अवेलेबल हैं। सो लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। सो सबसे पहले हमें क्या करना है, वी हैव टू टेक सम बैक्टीरियाज। फाइन, अब अलग अलग जगह पर जैसे जैसे कंटेमिनेंट है, पहले हमें वो स्टडी करना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑयल है या फिर कोई पेस्टिसाइड है, तो इसको खाने वाला, जैसे इस ऑयल को खाने वाला कौन सा बैक्टीरिया है, किसका फूड है वो, तो उस बैक्टीरिया को हम वहाँ पर लाते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस बैक्टीरिया, अब जो ये बैक्टीरिया इट फीड्स ऑन दी ऑयल, तो ये ऑयल को खाता है और इसके पास कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं, ठीक है, जो कि इस ऑयल को डाइजेस्ट कर सकते हैं। और अगर वो डाइजेस्ट ही हो गया तो ऑलमोस्ट क्या मतलब है कि वो एनवायरनमेंट से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, सो एंड रिजल्ट क्या होता है कि ये रिलीज करता है वाटर एंड गैसेस। फाइन, सो बेसिकली क्या हुआ, अगर कहीं जगह पर ये ऑयल था तो इसको हम वैसे तो वहाँ से गायब नहीं कर सकते, बट हमने वहाँ पे एक ऐसा बैक्टीरिया छोड़ा जो कि उसे खाकर डाइजेस्ट कर सकता है और उसको चेंज कर सकता है इनटू सिंपलर कंपाउंड्स। अब आप जानते हैं, अगर ऑयल है, ऑयल इज अ हाइड्रोकार्बन। फाइन, अब जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं दे आर द मोस्ट डिफिकल्ट टू ब्रेक, ठीक है, उनको उनका ब्रेक डाउन करना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे बैक्टीरियाज भी एग्जिस्ट करते हैं जो कि इनको भी ब्रेक कर सकते हैं। फाइन,
सो इनके लिए हमें क्या प्रोवाइड करना है, हमें राइट टेम्परेचर चाहिए जहाँ पर जो इनकी पॉपुलेशन है वो बढ़ सके, न्यूट्रिएंट्स चाहिए और फूड तो ऑब्वियसली जहाँ पर ऑयल है तो वहाँ पर उसका फूड क्या हुआ, बैक्टीरिया का ऑयल, तो ऐसी जगह पर हमें इनको छोड़ना होता है। सो जनरली अगर हम किसी ऐसी साइट को बात करें जिसमें बहुत ज़्यादा कंटेमिनेशन है, वहाँ पर मेटल्स भी हैं, ऑयल भी है, प्लास्टिक भी है और अलग तरीके का वेस्ट भी है, मतलब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी है, तो हर तरीके का वेस्ट है, तो उसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सैम्पलिंग करते हैं उनकी कि यहाँ पर कौन कौन से वेस्ट ऑलरेडी मौजूद हैं, तभी हम वही जो बैक्टीरिया जो उनको खा सकता है उसको वहां पर लेके जाएंगे। फाइन, तो अगर हम उस जगह पे एक्सकवेशन करते हैं, एक्सकवेशन मतलब वहां से उस जगह को, उस एरिया को निकाला और कहीं और जाकर उसमें हमने बैक्टीरिया छोड़ा, तो इसको बोलते हैं एक्स सीतु, यानी हम वहां से जो है लेकर आ गए हैं। दूसरी क्या होती है, इन सीतु। इन सीतु मीन्स हम उसी जगह पर जो है जहां पर भी हमें ये डंप मिला है, ये वेस्ट मिला है, जहां पर भी जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई लैंडफिल है, हम वहीं जाकर इस बैक्टीरिया को एक्शन में ले आते हैं। फाइन, सो इस तरीके से जो है फिर क्या होता है कि वो अपना एक्ट करना शुरू कर देता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने वहां छोड़ दिए हैं, फिर धीरे धीरे क्या करते हैं वो उसको पूरा डाइजेस्ट कर जाते हैं उन सारे पॉल्यूटेंट्स को, एंड फाइनली हमारे पास एक क्लीन जो है प्लेस बचती है जो कि आप किसी और चीज में जिसको आप लगा सकते हो। ठीक है, सो लेट अस सी कि हम ऐसा कर चुके हैं। यस, जो इंदौर है हम जानते हैं, जो स्वच्छता सर्वेक्षण होता है स्वच्छ भारत अभियान में, इंदौर का नाम वैसे ही सबसे टॉप पर रहता है, तो एक और चीज़ में वो टॉप पर आया है। इन्होंने अपना 15 लाख मेट्रिक टन का जो लैंडफिल था एक, उस पूरे के पूरे को इन्होंने गायब कर दिया है, उस पूरे वेस्ट को इन्होंने अच्छे से मैनेज कर लिया है थ्रू बायो रेमेडिएशन। फाइन, सो हम देखते हैं क्या था। तो ये एक्चुअल में इसकी पहली साइट थी जो हम बात कर रहे हैं, तो वो पहले ऐसा दिखती थी, नाउ इट हैज़ बीन चेंज टू दिस। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आप देखिए, पूरा का पूरा जो हिल्स थे गार्बेज के सारे जो है बायो रेमेडिएशन के थ्रू डाइजेस्ट कर दिए गए, सबको अलग अलग उसको अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, सो वो पूरा का पूरा जो एरिया है, कुछ ऐसी चीजें थी जो रिसाइकल हो सकती थी उनको अलग निकाल लिया गया। फाइन, और भी आप देख सकते हैं, तो ये था पूरा आपका गार्बेज। अब जैसे आपको दिख रहा है ना ये प्लास्टिक चीजें हैं, तो इनको अलग निकाल लेंगे, इनमें से कोई ऐसी चीज है, फिर इनको क्या करते हैं जैसे रोड मेकिंग इन सब जगहों पर इनको ले जाते हैं, बाकी सारी जो चीजें हैं वो बैक्टीरिया जो है डाइजेस्ट कर चुका है, बाकी बची चीजों को आप अलग से निकाल सकते हैं, सेग्रीगेट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट हैज बीन डन, और इसके बाद जो है ये प्लेस आज ऐसी दिखती है। फाइन, अब ये जो अगर आप इसको इस एरिया को जाने, तो इट वाज अ वेरी लार्ज एरिया, कुछ 100 एकड़ का ये एरिया था। ठीक है, और इसको सिर्फ 6 मंथ्स में ऐसा बना दिया गया। ठीक है, और ये जो प्रॉपर्टी है, जो लैंड है, इसकी कीमत अराउंड 400 करोड़ तक है। तो सोचिए ये जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं उनको भी कितना फायदा होगा कि ये जो लैंड है जो उन्होंने क्लियर करी है, इसका कितना ज्यादा यूजफुल हो सकती है वो। फाइन, अब इसके लिए क्या है, अलग अलग जो लोग हैं वो उस पर सोच रहे हैं कि हमें क्या बनाना चाहिए, लाइक गोल्फ कोर्स बनाने की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या हुआ, इसे बोलते हैं लैंड को रिक्लेम करना। ठीक है, अब यहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं है, जो ये डंप नहीं है। अब देखिए, जो ये लैंडफिल्स होते हैं यहाँ पर, बेसिकली क्या होता है कि मीथेन जो है वो प्रेजेंट होती है, मीथेन गैस जो कि आप जानते हैं इट इज 20 टाइम्स मोर यू नो ग्रीन हाउस गैस देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी ये जो लैंडफिल्स हैं ये हमारे लिए बहुत डेंजरस है। तो और अगर हम बायो रेमेडिएशन यूज करते हैं तो वो लो कॉस्ट तो है ही, क्योंकि बैक्टीरिया ही सारा काम कर रहा है, बट साथ के साथ ये भी है कि वहां पर जो भी गैसेस वगैरह रिलीज होती हैं, दे आर नॉट लाइक मिथेन और एनीथिंग, दे आर सिंपलर गैसेस, इतना ज्यादा वो ग्लोबल वार्मिंग नहीं है होती है उन गैसेस से भी। फाइन, सो साथ में एक और न्यूज थी दैट रशिया ने जो डिक्लेयर किया है स्टेट ऑफ इमरजेंसी ऑन जून 3rd, आपने ये सुना होगा, वहां पर मैसिव ऑयल स्पिल हुआ था आर्कटिक रीजन में। तो ये क्या था कि वहां की ये रिवर है अंबरनया रिवर, फाइन, यहाँ पर है ऑयल लीक हो चुका था और ये सबसे बड़ा अब तक का ऑयल लीक वहाँ पर माना गया। फाइन, दिस वाज अराउंड 20,000 टन्स ऑफ फ्यूल जो है वो पूरा का पूरा वहाँ से लीक कर गया। अब इस ये तो चलो रशिया की बात है, यू शुड रिमेम्बर दिस असम ऑल्सो, असम में भी रिसेंटली क्या हुआ, ऑयल स्पिल हुआ और उसकी वजह से वहाँ पर फायर भी लग गई, और जितने भी आसपास सारे आपको जानते हैं असम में तो बहुत ज़्यादा नेशनल पार्क्स भी हैं, इकोलॉजिकल जोन्स हैं, वेटलैंड्स हैं, तो ये सब जो एरियाज हैं दे केम अंडर थ्रेट। ठीक है, उसकी वजह से क्या हुआ, ये देखिए ये यहाँ पर फायर रही,
ठीक है, ये आग लगी इस जगह पर, और साथ में क्या हुआ दैट जो भी आसपास जैसे गंजेटिक जो डॉल्फिन्स हैं हम जानते हैं, ठीक है, दे आर एंडेंजर्ड डॉल्फिन्स, तो अगर ये भी वहां पर मरी हैं इसकी वजह से, ऑयल स्पिल की वजह से, एंड देर वर वेरियस बर्ड्स और जो ग्रासलैंड्स हैं वो सब इफेक्ट हुए, सारी वेटलैंड इफेक्ट हुई, फिशेज वहां पर बहुत मरी हैं, तो ये सब जो चीजें हुई हैं। अब जो ऑयल स्पिल है, अब हमने बताया कि जो ऑयल है उसको भी खाने वाला कोई बैक्टीरिया होता है, तो अगर पानी में फॉर एग्जाम्पल ऑयल मिक्स हो गया है तो अगर हम उसमें वो बैक्टीरिया डालें, ठीक है, ये वाले बैक्टीरिया, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, अगर हम इनको छोड़ते हैं वहां पर तो ये ऑयल को सब डाइजेस्ट कर देंगे एंड वो पूरा का पूरा एनवायरमेंट जो है क्लीन हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारे पास ऐसे बैक्टीरियाज आते कहाँ से हैं कि जो हाइड्रोकार्बन को भी डाइजेस्ट कर सकते हैं, इसके लिए आपको पता होना चाहिए दैट देयर आर पिच लेक्स, ठीक है, पिच लेक्स आप इसको सर्च कर सकते हैं, इनको एस्फॉल्ट लेक्स भी बोलते हैं। नाउ दीज लेक्स, ये लेक्स बेसिकली कहने की बात है, एक्चुअल में कोई वाटर इतना नहीं होता है वहां पर, इट इज एस्फॉल्ट, एस्फॉल्ट यानी ऑयल, यहाँ पर ऑयल, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम, इनसे बनी है ये, ठीक है। सो जो एस्फॉल्ट होता है आप जानते हैं पेट्रोलियम के बाद में जो बचता है दैट टार काइंड ऑफ थिंग, वो एस्फॉल्ट होता है, वो बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है, एंड कहीं पर वो जब सड़क बनाते हैं, रोड मेकिंग होता है, उसमें भी वो दिखाई देता है आपको दैट ब्लैक कलर एस्फॉल्ट जो यूज होता है रोड मेकिंग में भी। तो वहां पर ऐसी लेक्स हैं और उन लेक्स में सर्टन टेम्परेचर होता है, वेरी हाई टेम्परेचर्स होते हैं, ठीक है, तो बाकी जो लाइफ फॉर्म्स है आप सोचोगे कि उस लेक में सर्वाइव नहीं करती हैं, बट देर आर सम बैक्टीरियाज दैट कैन सर्वाइव इन दोज लेक्स, और वो उसी को खाकर यानी उस ऑयल को ही खाकर डाइजेस्ट कर जिंदा रहते हैं। So, या तो हम वहां से उन बैक्टीरियाज को निकालकर यहां पर लेके आए, या फिर जो एंजाइम्स ये बैक्टीरियाज यूज करते हैं जो कि पिच लेक्स में रहते हैं, उन एंजाइम्स को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और उसे हम देख सकते हैं कि हाउ दे कैन ये एंजाइम्स जो है कैसे डाइजेस्ट करवा सकते हैं इस चीज को। सो यहां से हमें ऐसे तो इस कंडीशंस में काफी जगहों पर जो है ये बैक्टीरियाज रहते हैं, इनसे हमें ये सब पता चलता है। सो इस तरीके से हम क्या क्या कर सकते हैं बायोरेमिडिएशन से, हम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, फाइन, हम पूरा का पूरा जो हमारा लैंडफिल है, जो हमारी डंप साइट्स हैं, हम उनको क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं, ठीक है, वो हमने देख लिया कि हमारा ऑलरेडी इंदौर में ये एक एग्जांपल सेट हो चुका है, फाइन। और हम क्या कर सकते हैं, वी कैन, हम ऑयल स्पिल्स, ठीक है, टॉक्सिक मेटल्स अगर आपके ग्राउंड वाटर में चले गए हैं आप उसको भी रिमूव करवा सकते हो, फाइन। और एक बात होती है बायो माइनिंग की, वट इज बायो माइनिंग, बायो माइनिंग क्या है, अब जो आपने डंप और वेस्ट किया है वहां पर कुछ मेटल्स भी होंगे, तो कुछ बैक्टीरियाज और कुछ फंगस भी ऐसे होते हैं दैट दे कैन, जब आप बाकी सब साफ कर दोगे, बाकी सब एरिया जब साफ हो जाएगा तो आपको वो मेटल्स भी अलग से दिख जाएंगे। सो दिस इज बायो माइनिंग की कोई भी वेस्ट है, आपको पता है इस वेस्ट में मेटल्स भी मिले हैं, तो बायो रेमिडिएशन के साथ साथ में हमें एक वैल्यूएबल सोर्स भी मिलता है, हम वहां से मेटल्स एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, हम वहां से और क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक, ठीक है, आप यहाँ से प्लास्टिक निकाल सकते हैं जो कि इतना इजीली डिग्रेड नहीं होता है, आप वहां से उस प्लास्टिक को निकालिए उस वेस्ट में, क्योंकि बाकी सब डिग्रेड हो गया है, अब जो प्लास्टिक बचा है उसको आप रोड मेकिंग में ले जाइए, ठीक है, ऐसी ऐसी जगह पर, तो ऐसे बहुत सारी बायो प्रोडक्ट्स भी हमारे पास बचते हैं जो कि हम बाद में यूज कर सकते हैं। सो इस तरीके से बायो रेमिडिएशन इज अ वेरी प्रॉमिसिंग जो है एनवायरमेंट के, एनवायरमेंट कंजर्वेशन के मामले में बायो रेमिडिएशन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आगे आ रही है, इसके ऊपर क्वेश्चन बिल्कुल आ सकता है यूपीएससी में इसके रिगार्डिंग, प्रीलिम्स या मेंस में। सो आई होप आपको ये सब समझ में आएगा दैट हाउ दिस वर्क्स और कैसे ये वेस्ट मैनेजमेंट के लिए यूज हो सकता है, फाइन। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स अ लॉट।